अस्सलामु अलैकुम, सल्ली अला सुभान अल्लाह, मैं तौकीर हफीज वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज चैनल पर। और आज आपको एरनथेमम की बहुत सारी स्पीशीज दिखा रही हूँ, और अपने जो व्यूवर से, अपने जो नेबर से और लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जो कटिंग है इसकी एरनथेमम की, वो मैं सब आपसे शेयर करूंगी। वो मेरी सारी ग्रो हो गई है, वो जो मैंने रिंग सीजन में किया था। और मैंने आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको गाहे भगाए आपको वीडियो बना के दिखाते रहूंगी। तो आपको ये जो है एक एरनथेमम, इसकी तो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये भी स्पीशीज़ में शामिल है। तो आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए कितना प्यारे कलर हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए हम इसके जो है वेरीगेटेड वाली जो वैरायटी है एरनथेमम की, थ्री स्पीशीज़ वो भी आपको दिखाते हैं। देखें तो व्यूअर्स, ये देखें, एक ये है और इसके कितने प्यारे लीव्स हैं। इसके यहाँ से आप देखें डबल शेड कलर है, ये ग्रीन वाली है। और ये देखें इसके पीछे, देखें स्टेम मैंने लगा दी थी, आपको ये दिखाऊं, ये देखें ऐसे स्टेम लगाई तो ये ग्रो कर गई और ये हो गए हैं 2-2-1 से। अब तो मैंने इसकी लगाई तो देखें इसमें से भी, ये देखें एक ये स्टेम ग्रो कर इसमें से निकली। और यहाँ देखें, तो मैंने सोचा कि आपको ये जब थोड़ा सा इसमें पत्ते लीव्स अच्छे थोड़े ग्रो कर जाएंगे तो फिर मैं वीडियो शूट करूँगी। तो इसमें मेरे लीव्स देखें कैसे अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और कलर भी देखें किस हसीन है और किस कदर प्यारा लग रहा है। ये है और एक और ये देखें, ये है एरनथेमम की, तो ये भी खूबसूरत लगती हैं। और इसके बीच में सब जितने भी हैं इनके बीच में एक स्टिक निकलती है, और उस स्टिक में छोटे छोटे से फ्लावर निकलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो ये आपको मैंने वेरीगेटेड वाली दिखा दी, ये सब वेरीगेटेड हैं और सारे खूबसूरत लग रही होती हैं जब ये, अच्छा ये बहुत जल्दी बड़ी होती हैं। अगर आप इसको ज़मीन पर लगाएँ तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं और हार्डी, एक किस्म की हार्डी ही समझेंगे कि इसको आराम से सर्वाइव कर लेती है। और ये थोड़ी सी मैं इस वाली जो है इसको मैं देखती हूँ, ये थोड़ी सी नाजुक है क्योंकि इसकी स्टेम मतलब मिच्योर होगी नीचे से, तो जब इसके भी मिच्योर मतलब ये भी स्टेम थी मगर इस स्टेम ने ज़्यादा जल्दी ग्रो कर लिया, और ऊपर से जो है इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा जो है नाजुक है और टूट जाने का ख़तरा है। तो इसको मैंने एक स्टिक में इसको बांध दिया है, और ये स्टिक इस तरह की देखिए, छोटे सा बैम्बू लिया था, बैम्बू स्टिक में मैंने बांध दिया है, और ऊपर से इसका ये देखिए कितना हसीन लग रहा है ये। तो आपको एरनथेमम के जो मेरे व्यूवर्स और मेरे जो न्यू बिगनर्स हैं वो ये देख सकते हैं कि इसके जो कलर्स कितने हसीन लग रहे हैं, और ये कलर्स किस तरह होते हैं। इसको ये सन लविंग प्लांट है, और इस तरह का ये देखें, इसमें स्पीशीज़ में भी आपको ये बता दूं कि बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं इनमें आपको क्या करना पड़ता है। ये स्पीशीज़ को अगर ज़्यादा धूप में रखते हैं तो ये ना अगर ज़मीन में लगाए तो ये फिर आराम से सर्वाइव कर लेता, अगर ये पॉट में ऐसे पॉट में लगाओ और इसको ऐसे धूप में ज़्यादा कर दें तो ये लटक जाता है। मैंने इस वाले स्पीशीज़ में ये ऑब्जर्व किया है, और ये सारी स्पीशीज़ जो हैं थ्री स्पीशीज़ ये ज़रा हार्डी है, देखिए इसका लीव्स भी बहुत हार्डी लगते हैं, और इसके लीव्स देखिए कितने नाजुक से हैं, और इसके भी देखें ये सब हार्डी हैं, ये देखें नीचे भी दिखा रही हूँ आपको इसकी हार्डी हैं। तो व्यूअर्स ये वाले जो है हार्डी हैं, और इसके कलर देखें कितने हसीन हैं। अगर आप ऐसे लीव्स को भी ऐसी रख दें, मतलब ऐसी ही लीव्स रखें तो ये वैसे भी खूबसूरत लग रहा है, बीच में से एक स्टिक निकलती है जिसकी वजह से ये उसमें इतने प्यारे फ्लावर आते हैं, वो भी वाइट छोटे छोटे से आते हैं और सब में। और ये एक और दिखा दूँ वेरीगेटेड, इसका वाला कलर देखें, इसका फ्रंट से कलर देखें कितना हसीन और खूबसूरत लग रहा है। तो जब ये बढ़ता है और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मेरी सिस्टर के घर में ये लगा हुआ है,
कुछ मैं अपने सिस्टर के घर से भी लेकर आई थी, तो ये उनके घर में बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो वो अपने माली से उसकी कटिंग करवाती हैं और ये सब करती हैं। तो वो तो माली से करती हैं, मगर मैं तो गार्डनिंग का बहुत शौक है, मैं खुद ही अपनी सब खुद ही करती हूँ। और मैंने वहीं से ये सब कटिंगें रेनी सीजन में लेकर आई थी और लगाई थी, और ये देखे तीनों ग्रो करे। याली भी देखें आप, ये देखें इसके दो, एक एक ये और एक ये कैसे निकली, इसके भी एक ये निकल आई और एक ये, तो और ऊपर से भी इसमें से और ग्रोथ कर रही है और निकलते जा रही है। देखें तो ये भी देखें, इसमें से भी निकल रही है। तो इसकी जो सॉइल है, मैं हमेशा जैसे अपनी सॉइल इसके प्लांटों की तैयार करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही तैयार इसकी की है मैंने। और मेरा ये पॉट पुराना था, इस पॉट में ही लगा दिया, क्योंकि मैं इसमें कोई नई सॉइल मैंने नहीं इस्तेमाल की थी। व्यूअर्स, इसलिए नहीं की थी कि मैंने रिन सीज़न था, रिन सीज़न में मैंने देखा है कि सारी जो है आपके स्टैम ग्रो कर जाती है, तो उसमें मैंने ये सब स्टैम को लाकर मैंने मतलब गड़ा दिया और लगा दिया। और देखिए कैसे अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रही हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि गाय बगाए अपने सारी वीडियो में अपने जो स्टैम है मैंने आपसे शेयर करनी है, और देखिए आपको कैसा लग रहा है। मुझे सारी इसकी स्पेशीज पसंद आ रही है। देखिए इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त, इसका कलर आप नज़दीक से देखें कितना हसीन कलर है। इसके किनारे पर देखिए कितना हसीन लग रहा है, जिससे इग्लोनुमा का होता है ना, बिल्कुल वैसी साइडों में रेड कलर सा एक कुदरत ने दिया है। देखें इसमें कैसे इग्लोनुमा की तरह आ रहा है, और इसमें देखिए इसमें, और इसमें ये तो वेरीगेटेड सब तीनों ही हैं। ये दो वेरीगेटेड है, एक समझिए ये भी वेरीगेटेड कहेंगे, मगर ये वेरीगेटेड में शुमार नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा। और ये दोनों, और ये देखें ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, आपको पसंद आएगा। क्योंकि व्यूअर्स, ये अपने घर में लगाएं, इसको जैसे लो मेंटेनेंस है, इसमें मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है आपको। जो मैंने अपनी पुरानी सॉइल थी उसमें लगा दिया था, इसमें पुरानी सॉइल में मैंने ये किया था। आप अब न्यू बिगनर्स में नहीं ये वीडियो देख रहे हो और उनको बहुत सौ को पता नहीं हो मेरे सब्सक्राइबर को, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें मैंने जो है 50% जो मैंने रिवर सैंड रखी थी, और 30% मैंने जो है गार्डन सॉइल, और 20-10% मैंने इसमें काउडंग और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर और नीम खरी सब मिला के एक मिक्सचर बना लेती हूँ। मिक्सचर बना कर फिर मैं रख लेती हूँ, सारे पॉट में लगा लेती हूँ, रख देती हूँ लगा के। जब मुझे अपने पॉट में कोई नया प्लांट लगता है कि ये बढ़ रहा है, तो फिर शिफ्ट कर देती हूँ। इसी तरह ये चलते हैं और बहुत ही आराम से सर्वाइव करने लग जाते हैं। तो ये हो गई इसकी बात। हाँ, तो पेस्ट इसमें ज़बरदस्त तरीके से अटैक करते हैं, मगर अभी अल्लाह का शुक्र है कि पेस्ट इसलिए अटैक नहीं कर रहे हैं। मैं 15 डेज पर जो मेरे प्लांट पिछले ख़राब हो गए थे और जल गए थे, तो उसके बाद मैं केयर शुरू की, और केयर शुरू करने के बाद मेरे सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं। आपने इसे नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा, ये थोड़ा सा छोटा सा था, आप देखिए कितना ज़बरदस्त बड़ा होता जा रहा है। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको अपना प्लांट को बुशी बनाना है, तो यहाँ से अपने पिंच कर देना है। अब जैसे ये इसकी स्टेम व्यूअर्स आप देखें, ये स्टेम दिख रही है, अब इतनी लंबी जा रही है, इतनी लंबी अजीब सी लगेगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है, यहाँ से कट कर देंगे, ये दो टू स्टेम निकल रही है, दो यहाँ से पत्ते भी बहुत सारे निकल रहे हैं, नेक्स तो यहाँ से कर देंगे, तो ये बुशी और अच्छा घना हो जाएगा। ये भी इसी तरह से अब यहाँ से इतनी लंबी जा रही है, अब इसे क्या करना है मुझे, इसको भी मैं यहाँ से जो है दिख रही है व्यूअर्स, यहाँ से कट कर दूँगी, तो ये बहुत ज़्यादा बुशी बनेगा और बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसा याली में भी यही है कि इत्तेफाक से देखें दो 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 के हिसाब से ये स्टेम निकल आएंगे, यहाँ से कर दूंगी, तो ये बुशी एक घना जैसे गुलदस्ता नहीं होता वैसे गुलदस्ते की तरह ये बन जाएगा।
और बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बुशी बनाने का ये अच्छा तरीका है, ये ट्रिक है, ये हर कोई गार्डनर जो भी है वो इस ट्रिक को इस्तेमाल करता है, क्योंकि इससे आपके बुशी प्लांट होते हैं, खूबसूरत लग रहे होते हैं। अभी मैंने तो दिखाने के लिए इसलिए आप लोगों को सामने रखा था कि मैं मेरे व्यूवर्स ये देख लें कि मैं इस तरह सारी ग्रो कर गई और इतनी बड़ी लंबी लंबी हो गई हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगा मैं इसको मतलब कटिंग कर दूँगी, कटिंग करके फिर ये थोड़ा बुशी होंगे तो फिर इसकी शूट करूँगी, फिर इसमें जो फ्लावर आएगा वो भी फ्लावर आपसे शेयर करूँगी, तो आपको बहुत ज़बरदस्त और अच्छा लगेगा। वो फ्लावर आपको ज़बरदस्त और अच्छा इसलिए लगेगा व्यूअर्स, जब आपका प्लांट सब तरफ से बुशी होगा तो हर जगह से स्टेम निकलेगी उस फ्लावर की, तो आपका हर जगह से फ्लावर निकलेगा तो बहुत खूबसूरत सा एक गुलदस्ता बना होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो ये हो गया। पेस्ट की बात करें तो पेस्ट में आपको मैंने आपको अनियन का बताया है, रेड चिली का है, वो दोनों को मिक्स करके 1 लीटर में जैसे 1 टेबल स्पून जो है आपने अनियन ले लें और जो है टी स्पून आपने रेड चिली या हाफ टी स्पून रेड चिली ले लें और उसको दोनों को मिक्स करके इस पर आप स्प्रे कर सकते हैं या नीम का स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप, क्योंकि अपने घर में बाज़ लोग कहते हैं हम इतनी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे न्यू बिगनर्स बिल्कुल जो छोटे से हैं वो कहते हैं कि हम अपनी पॉकेट मनी से करते हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ कि अगर बाहर का आप स्प्रे ना ख़रीदें और मेडिसिन ना ख़रीदें, आप घर के इससे टोटकों से आप काम चलाएं, नीम के जो है लीव से इसको स्प्रे करें बॉयल करके। तो आई होप ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा, सब्सक्राइब बहुत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।